हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और अभी कल थी सीएल और आज आई हूँ स्कूल। और आने के बाद सबसे पहले अपने दोनों पेंस में रिफिल्स चेंज की। तो ये है पेंटोनिक की BRT रिफिल्स, तो मैं यही वाला पेन यूज़ करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे रखा भी हुआ है। तो ये तीनों पेन ब्लैक, रेड और ब्लू, तीनों यही यूज़ करती हूँ पेंटोनिक BRT। और तो ब्लू और रेड की रिफिल ख़त्म हो गई थी तो उसको चेंज किया। सबसे ज़्यादा रेड की रिफिल ख़त्म होती है और उसके बाद में ब्लू, और ब्लैक तो मुझे लग रहा है जल्दी ख़त्म ही नहीं होती, ब्लैक का काम उतना नहीं करता है, तो ये चेंज किया। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ ये टीचर्स डायरी लिखने, तो इसको करने के बाद में तब टीचिंग स्टार्ट होगी। तब तक बच्चे जो हैं डेली की जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिस की ड्यूटी दूसरी टीचर की है, तो वो काम कर रही है और मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ। तो अभी आ गए घर और आज जो है एक चिया की फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो अभी अभी टॉफ़ी दे के गई है, वही टॉफ़ी मैं खा रही हूँ। और आने के बाद सोचा कि थोड़ा सा जो मेरे 24 के प्लानर हैं उनको थोड़ा सा चेक किया जाए कि क्या चेंजेस उसमें करने हैं। और ये प्लानर आपको मैं दिखा चुकी हूँ अपने एक व्लॉग में कि मुझे चेंज करने थे, बट हुआ ये कि मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने चेंज नहीं किया और काफ़ी समय निकल गया, तो अब ये चेंज नहीं होंगे। और मैंने सही भी नहीं समझा कि इतने दिनों बाद जाके उनको चेंज के लिए बोलो, रिक्वेस्ट करो, तो मेरे बस का नहीं, तो मैंने चेंज नहीं किया है। और अब जो है मैं इसी को यूज़ करूँगी, जो भी है जैसा भी है। तो ये जो है इस तरह के है। और मैं क्या सोच रही हूँ कि अब की बार मैं यही वाले पेजेस यूज़ करूँ। हर बार मैं क्या करती थी कि पेजेस चेंज कर लेती थी, वाइट पेजेस यूज़ करती थी और ये वाले हटा देती थी। तो अब की बार एक तो इसमें ये मंथली एक्सपेंसेस का जो अलग से दे दिया है तो ये मेरे काम का है। दूसरी बात, इसमें एक कमी जो रहेगी वो मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि संडे पेज इसमें नहीं दिया है, इसका कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। और ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये सब मेरे काम का नहीं है, बहुत अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं रहते। लेकिन हाँ, अगर कोई ड्यूटी वगैरह होगी तो हो सकता है कि मैं उसमें नोट करके यहाँ मेंशन करती चलूँ। ये हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ये बात करते समय ही आ गया, ये जो है मतलब बहुत बढ़िया आइडिया आ गया, बात करते मतलब वीडियो बनाते समय, ये सही है। अपॉइंटमेंट्स में मैं यही कर दूँगी कि जैसे जो मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगती रहती हैं वो यहाँ मेंशन करती चलूँगी। तो एक लास्ट में मुझे एक आइडिया रहेगा कि मैंने कितनी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ की हैं, चाहे छुट्टी वाले दिन या फिर ना छुट्टी वाले दिन, तब भी जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाती है स्कूल के अलावा वो मैं यहाँ मेंशन करती चलूँगी। और सही भी है, डेट टाइम वेन्यू वगैरह सब यहाँ पर लिखने की जगह है तो बढ़िया रहेगा ये। तो चलिए, ये होता है वीडियो बनाने से। फिर फाइनेंसेस यहाँ दिया ही हुआ है, साथ में मंथली एक्सपेंसेस दिए हैं, तो ये भी यूज़ का ही है। तो मैं इस बार ये ओरिजिनल पेजेस ही यूज़ करने वाली हूँ उसके। और ग्राफ पेजेस भी यूज़ करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ एग्जैक्टली जो प्लानर ये दिया हुआ है मैं एग्जैक्टली यही प्लानर यूज़ करूँ, और नोट्स वाले तो यूज़ हो ही जाएंगे। फिर लास्ट में ये एड्रेस कॉन्टैक्ट वगैरह दिया है तो ठीक है। और 24-25 का ये इन्होंने कैलेंडर भी दे दिया है, छुट्टियाँ दे दी हैं, तो ये सभी कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा बस इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत है, ये बहुत बिजनेस टाइप का लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा फंकी या फिर थोड़ा सा स्टाइलिश रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसका जो फर्स्ट पेज है इसको चेंज करूँगी, तो ये फाइनल है प्लानर मेरा, इसे मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाली। अब जो ये नेक्स्ट वाला है ये है बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें जो है ये, इसमें ये अनडेटेड है तो इसको मैं इसके ये सारे पेजेस हटा दूँगी, क्योंकि ये इसने ओल्ड दे दिया है तो ओल्ड का काम नहीं है। तो
इस पर स्टिकर चिपका के ये मंथ चेंज कर सकते हैं। और देखती हूँ कि इसको कैसे, इसका अभी कोई प्लान नहीं मेरे पास, बट इसका कवर यूज़ कर लूँगी टाइम टू टाइम इसमें और इसमें एक्सचेंज करके। बट साइज़ जो है दोनों का फ़र्क है, ये देखिए थोड़ा सा ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बड़ा है ये। और ये मेरी टेबल है जो कि इस समय बहुत गंदी है, अभी मैंने आके यहीं पे सारा सामान रख दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा सही करना है। ये देखिए मैंने वीडियो बनाया था, उसका स्टैंड भी ऐसे रखा हुआ है, मेरा स्टॉल ऐसे रखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको सही करते हैं। तो फाइनली टेबल मेरी एकदम साफ़ हो गई, और ये जो मुझे बनाना था ये अभी तक नहीं बन पाया है। तो और अब मैं चल रही हूँ टेबल पे कुछ काम करने। तो इधर आ गई है मेरी चाय, ये चाय बन के आ गई, और ये बच्ची ने टॉफ़ी दी थी वो रखी हुई है, तो पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद कुछ काम करूँगी। ये मेरी बुक है जो एकदम ख़त्म पे आ गई है, और आज मैं इसको ख़त्म कर दूँगी और नेक्स्ट बुक स्टार्ट करूँगी कल से। तो ये थोड़ी ही बची है और इतने पेजेस, अभी चाय पीने के बाद मैं इसको जा रही हूँ पढ़ने और इसको ख़त्म करूँगी आज। बहुत दिन से ये चल रही है, बुक ख़त्म नहीं हो रही है। ये थोड़ी देर पहले मैंने टेबल साफ़ की, और इतने टाइम फिर देखिए ये चिया आई है और इसको कलर करने लगी। उसने सुन लिया था कि मैंने इसको अभी कलर नहीं किया है, तो ये जो है इसको कलर करने लगी। ये देखिए इसने ये रखा है फेविक्रिल, फेविक्रिल से इसने, चिया ने इसको कलर किया है। अब कहीं चली गई, अभी वो उसको कहीं जाना था खेलने, तो खेलने चली गई, इसको इतना छोड़ गई है। तो उसका वीडियो बनाऊंगी मैं उसको, क्योंकि अभी वो चली गई, तो उसका वीडियो बना के उसके ही चैनल पे अपलोड करना है। वो परेशान है, उसके चैनल पे वीडियोस नहीं अपलोड होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि उसका वीडियो भी बनाऊं, एडिट करूं, अपलोड करूं, तो ऐसे ही। तो अभी वो रख के गई है और बोली, और ये देखिए उसने पहले बनाया था इन्हीं कलर से, और वही कॉम्बिनेशन उसका रहता है कलर का, उसको शायद यही कॉम्बिनेशन पसंद है, बार बार वही बनाती है, या फिर कलर भी इसमें कुछ सूख गए हैं कमन। तो